नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे विवाह होते समय क्यों मिलाए जाते हैं वर और कन्या के गुण, और विवाह के लिए 36 गुणों का क्या है महत्व, कितने गुण मिलने चाहिए। विवाह के बाद वर और वधू एक दूसरे के अनुकूल रहें, संतान सुख धन दौलत में वृद्धि दीर्घायु हो, इस वजह से दोनों पक्ष के 36 गुणों का मिलान किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में अष्टकूट में वर, वर्ष, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गर्भ, भकूट और नाड़ी को शामिल किया गया है। ये अष्टकूट हैं वर्ण, वर्ष्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गढ़, राशि, नाड़ी। गुण मिलान के साथ यदि इन अष्टकूट का मिलान सही ढंग से नहीं होता है तो विवाह में जीवन भर बाधा आती है। विवाह के लिए वर वधु की जन्म कुंडली मिलान करते नक्षत्र मेलापक के अष्टकूटों में नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विवाह से पूर्व वर वधु की कुंडली का मिलान कैसे करें, क्या सावधानी रखें ताकि विवाह सुचारू रूप से संपन्न होकर जीवन भर एक दूसरे का साथ सुख समृद्धि कायम रहे। कुंडली मिलान को कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है आइए जानें। अष्टकूट मिलान में 36 अंकों का वितरण, वर्ण 1, वर्ष्य 2, तारा 3, योनि 4, मैत्री 5, गढ़ 6, भकूट 7, नाड़ी 8। नाड़ी दोष, हर नक्षत्र के अनुसार बालक बालिका की नाड़ी अलग अलग होती है। इससे वर कन्या की सेहत और संतान उत्पत्ति की स्थिति देखी जा सकती है। अगर वर और कन्या की नाड़ी एक ही हो तो सेहत की समस्या और संतान की समस्या होती है। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हो, या वर और कन्या दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। कुंडली मिलान के समय इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। जिस पंडित से कुंडली मिलवा रहे हैं उससे प्रश्न जरूर करें कि दोनों की नाड़ी एक तो नहीं है। मंगल दोष, कुंडली में मंगल की विशेष स्थानों पर होने से मंगल दोष पैदा होता है। कुंडली में प्रथम चतुर्थ मतलब 1, 4, 6, 7 वें और 8वें और 12वें स्थान पर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है और यह एक महत्वपूर्ण दोष होता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरी कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए। कभी कभी मंगल दोष इतना खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफ़ी खराब हो जाता है। मंगल दोष की शांति के लिए सबसे उत्तम होता है हनुमान जी और कुमार कार्तिकेय की पूजा करना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा मंगल शांत हो जाता है। भकुट, राशियों का आपसी संबंध और वर कन्या के स्वभाव का मिलान करना भकुट कहलाता है। भकुट दोष होने पर तालमेल में काफ़ी समस्या आती है। राशियाँ अगर एक दूसरे से द्विद्वास, पसदास्थाक या नौपंचक हो तो भकुट दोष बन जाता है। अगर वर कन्या की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हो तो ये दोष भंग हो जाता है। गढ़ दोष, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गढ़ होते हैं। कुल मिलाकर 3 गढ़ होते हैं, मानव, देव और राक्षस। अगर गढ़ में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। राक्षस और मानव गढ़ का विवाह सबसे ज़्यादा अनुचित होता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत खराब होते हैं। अगर वर कन्या की राशियों में उत्तम मित्रता हो तो गढ़ दोष भंग हो जाता है। ग्रह मैत्री, कुंडली मिलान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है ग्रह मैत्री। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। दोनों के बीच आपस में विचार नहीं मिलते। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गढ़ दोष, बकुट दोष, बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है स्वभाव और रंग। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लड़के या लड़की की जाति कुछ भी हो लेकिन उनका स्वभाव और रंग उक्त 4 में से एक होगा। मिलान में इस मानसिक और शारीरिक मेल का बहुत महत्व है। यहाँ रंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि स्वभाव का है। वर्ष, वर्ष का संबंध भी
मूल व्यक्तित्व से है। वर्ष पांच प्रकार के होते हैं, चतुष्पाद, कीट, वनचर, द्विपाद और जलचर। जिस प्रकार कोई वनचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता है। तारा। तारा का संबंध दोनों के भाग्य से है। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाई गई है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, वध, साधक, मित्र और अमित्र। वर के नक्षत्र से वधु और वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने तक विपत, प्रत्यरि और वध नहीं होना चाहिए, शेष तारे ठीक होते हैं। यौन। जिस तरह कोई जलचर का संबंध वनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से ही संबंधों की, मानव संबंधों की बात भी होती है। विभिन्न जीव जंतुओं के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई हैं। अश्व, गज, मेष, सर्प, स्वान, मार्जार, मूषक, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है। इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है। विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण योनि के कारण होता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है। इससे अधिक गुण मिलने पर गॉड गिफ्टेड मिलान कहते हैं। किसी भी वर और वधु का गुण मिलान उतना ही दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम माता सीता के 36 के 36 गुण मिले थे। ऐसा बहुत कम होता है और जिनका होता है वे बहुत भाग्यशाली समझे जाते हैं। विवाह में प्रयास यही करना चाहिए कि कुंडली मिलान जरूर हो, ताकि जीवन सहजता से चल सके। कितना भी चिंता करें, भूतकाल को बदल नहीं सकते। कितना भी चिंता करें, तकदीर में जो लिखा है उसे हटा नहीं सकते। तो वर्तमान जो है उसी को खुशी खुशी जी लें। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में दुबले हुए जाते हैं। ऊपर वाला क्या कहेगा, ये कभी सोचा क्या। जिंदगी गुजर जाती है, यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है, आखिर क्या लेकर जाना है। किसी के वर्तमान को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।